हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमानी शर्मा, योर एजुकेटर. आई वार्मली वेलकम यू ऑल टू येट अनदर यूट्यूब वीडियो, जिसमें वी आर गोइंग टू डील विद द क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर फिक्शन एंड नॉन फिक्शन फ्रॉम 6 दिसंबर 2023. सो फॉर योर ईज, मैंने जो चीजें हैं वो जॉनरा वाइज जो है सेग्रीगेट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई एम ब्रिंगिंग फॉरवर्ड फॉर यू ऑल. यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर स्टिकिंग थ्रू द एंड टू मेक श्योर दैट योर प्रिपरेशन इज गोइंग नाइसली. अपने आप को असेस भी करना है थ्रू मेकिंग श्योर दैट जितने भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो में है, हाउ मच यू गाइज हैव, हाउ मेनी क्वेश्चन यू गाइज हैव आंसर्ड करेक्टली. सो मेक श्योर यू आर सिटिंग अप विद योर नोटबुक्स, पेन पेपर एक्सेट्रा. यू आर रीडिंग अ क्वेश्चन, पॉजिंग इट, टेकिंग योर ओन टाइम एंड देन प्रोसीडिंग विद इट. दिस वे आप अपनी जो अभी की प्रिपरेशन है उसको असेस भी कर पाएंगे, राइट? सो लेट्स जस्ट लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर, वेरी फेमस क्वेश्चन. All happy families are alike. Every unhappy family is unhappy in its own way. It is the opening line of the novel. So pause your screen. I hope that you guys do know the answer to this one, क्योंकि ये सवाल जो है काफी दफा previous year question में repeat हुआ है. So what is the right answer here? The right answer to this question is option A, that is Anna Karenina. And who is the writer of this particular novel? It's Leo Tolstoy. Leo Tolstoy ने ये work Anna Karenina लिखा था, ये writing. और ये बड़ी ही अजीब सी बात है that in this particular paper only we see that almost 2-3 questions from Anna Karenina only have been asked. तो ये Russian literature में से Anna Karenina के ही 3-4 questions जो थे 6 दिसंबर के एक ही shift में पूछे गए थे. तो आपको मेक श्योर करना है दैट यू, इफ यू आर रीडिंग समथिंग, यू आर गिविंग इट योर ऑल, इवन टू द स्मॉल चंक्स ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर, और उनमें जो मेजर राइटर्स को कवर कर रहे हो ध्यान से कवर करना, क्योंकि उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चन भी बन पाते हैं. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी मेजर फॉर्म्स ऑफ ड्रामा हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय भरत इन हिज मैनुअल ऑफ ड्रामेटर्जी. पहले तो भरत का मैनुअल ऑफ ड्रामेटर्जी कौन सा वर्क है, कौन सा वर्क है जिसमें ही हैज टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा. द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक इज नाट्य शास्त्र. नाट्य शास्त्र इज द मैनुअल और द बुक ऑफ ड्रामेटर्जी रिटन बाय भरत. नाउ हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ ड्रामा ही हैज प्रिस्क्राइब्ड और डिस्क्राइब्ड इन दिस पर्टिकुलर वर्क ऑफ हिज. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी हियर. 10 तरीके के ड्रामा की बात जो है वो भरत ने करी है, राइट? नाउ यू, इफ यू फील लाइक रीडिंग अबाउट दोस 10 स्टाइल्स ऑफ ड्रामा, यू आर मोस्ट वेलकम. बट मेक श्योर कि एस्थेटिक्स में अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली लेके चलना है, राइट? देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. अरेंज द फॉलोइंग टेक्स्ट क्रोनोलॉजिकली. क्रोनोलॉजिकली द राइट आंसर to this particular question is option C here. Option C here, जहां पे भरत का नाट्य शास्त्र it came first, then बामा का काव्य अलंकार where he talks about, यहाँ पे he talks about the theory of drama, dramaturgy. काव्य अलंकार में he talks about the figures of speech, the decorativeness of any sort of writing. So this came second. Then we have E, Anandavardhan's ध्वनि लोक, where he talks about dhvani, correct, which is the suggestion, the indirect suggestion. Agar aap meghon ki baat kar rahe ho ya agar aap rose describe kar rahe ho apni beautiful beloved ke liye, to iska matlab hai ki you are comparing her to a beautiful rose, you're calling her a rose. So what is the implicit suggestion that you are trying to make is the concept of dhvani here. Then we have D, kuntak's vakrokti. वक्रोक्ति का मतलब है एक टूटी फूटी क्रूकेड डिवियंट स्पीच, जो कि सीधे मतलब से आपको चीजें ना बताए, इनडायरेक्ट तरीके से बताए. तो ये जो थी इट केम नंबर फोर्थ, ये हमारा थर्ड हो गया. एंड क्षेमेंद्र से औचित्य विचार चर्चा. औचित्य विचार चर्चा में क्षेमेंद्र जो है ये सारे और इनकी बुक्स ये यहीं पे आपको मिल गई हैं इसी सवाल में. तो यहाँ से इंडियन एस्थेटिक्स और अच्छे से हो जाएगा. इवन आई हैव मेड अ वेरी स्मॉल वीडियो बेस्ड ऑन इंडियन एस्थेटिक्स, द इम्पॉर्टेंट राइटर्स गिविंग देयर इम्पॉर्टेंट वर्क्स एज वेल. सेम गोज फॉर द क्लासिकल ड्रामेटिस्ट्स ऑफ द इंडियन एज. कमिंग बैक
क्षेमेंद्र का वर्क औचित्य विचार चर्चा, औचित्य विचार चर्चा में उन्होंने क्या बात करी है, औचित्य के कॉन्सेप्ट की बात करी है। औचित्य का मतलब होता है अप्रोप्रिएटनेस, प्रॉपराइटी। जो शब्द आप यूज कर रहे हो, अगर आप कोई हीरो की सैडनेस को दिखाना चाहते हो तो आप वो भंगड़ा पाले या ऐसी चीजें तो नहीं बोलोगे ना। यू विल मेक श्योर दैट यू आर डिस्क्राइबिंग द सैडनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर हीरो आफ्टर उसकी वाइफ छोड़ के चली गई उसको। या अगर हम बात करें, चौसर का ही वर्क था द बुक ऑफ द डचेस, जिसको द डेथ ऑफ ब्लॉन्च भी बोलते हैं। तो बुक ऑफ द डचेस में चौसर ने जो यू नो ग्लूमी लैंग्वेज यूज करी है टू डिस्क्राइब हाउ द ड्यूक वॉज फीलिंग, हाउ जॉन ऑफ गॉन्ट वॉज फीलिंग आफ्टर ही लॉस्ट हिज डचेस, जब उनकी डचेस ब्लॉन्च की डेथ हो गई थी। ठीक है, सो हाउ अप्रोप्रिएटली वी आर यूजिंग द वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग देम इज नॉट ट्रू अबाउट एना कैरेनिना। 6 दिसंबर एना कैरेनिना का दूसरा क्वेश्चन। द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन ए हियर, दैट इज द नॉवल वॉज पब्लिश इन द ईयर 1872। तो कब पब्लिश हुई थी? 1878 में, ना कि 1872। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा जो नहीं सही है, विच इज नॉट ट्रू। ट्रू क्या क्या है? 8 parts में लिखी गई है स्टोरी के मेन कैरेक्टर एना और कॉन्स्टेंटिन लेनिन है, लेविन है। द नॉवल इज रेवोल्यूशनरी इन इट्स ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, बिकॉज शी इज अ यू नो वुमन हु इज हैविंग अ रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ हर मैरिज, सो शी इज ब्रेकिंग दैट पेट्रियार्कल नॉर्म्स, सोसाइटल नॉर्म्स एटसेट्रा। राइट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन फ्रांसिस बेकन का कौन सा वर्क न्यू लॉजिक और इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग को बताता है? इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग क्या कहता है? व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम समथिंग पर्टिकुलर टू जनरल। आपने देख लिया कि हिमानी मैम इस बोर्ड पे इस पेन के साथ लिख के पढ़ाती हैं। आपने कल भी देखा हिमानी मैम के वीडियो को, एक ही बोर्ड पे इस पेन से लिख के पढ़ा रही। तो यू हैव जनरलाइज दैट हिमानी मैम इस बोर्ड के ऊपर यही पेन यूज कर सकती हैं, कोई नॉर्मल जो है स्केच पेन और एटसेट्रा शी कांट यूज। सो यू फ्रॉम वन और टू पर्टिकुलर पैटर्न वाले इंस्टांसेस से आपने एक थ्योरी जनरेट कर दी कि हिमानी मैम टीचेस ऑन दिस पर्टिकुलर बोर्ड विद दिस पर्टिकुलर पेन ओनली। सो फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरलाइजिंग दैट स्टेटमेंट दैट एवरी डे शी विल डू दैट ओनली। ठीक है, तो ये किसमें बात बताई है? नोवम ऑर्गेनम में। ठीक है, द न्यू मेथड इसमें बताया है उन्होंने। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव नॉट अ कैरेक्टर इन जेन ऑस्टन्स नॉवल पर्सुएशन, व्हिच अमंग देम इज नॉट अ कैरेक्टर इन जेन ऑस्टन्स नॉवल पर्सुएशन। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। मिस क्रॉफर्ड इज अ कैरेक्टर इन मैन्सफील्ड पार्क। मैन्सफील्ड पार्क की कैरेक्टर है, ना कि पर्सुएशन की। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। वॉल्टर एलियट, लेडी रसेल, फ्रेडरिक वेंटवर्थ, ऑल ऑफ देम आर कैरेक्टर्स ऑफ पर्सुएशन। नेम द पोएट हु हैज कंपोज्ड पोएम्स लाइक द डिवाइन इमेज, द लिटिल बॉय लॉस्ट, द लिटिल बॉय फाउंड, द होली थर्सडे। वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। द राइट आंसर So this question is option B here. William Blake ने ये particular poems जो है publish करी हैं। Coming to William Blake, his other important pieces of poetry comes as The Chimney Sweeper. The Chimney Sweeper, इसको भी आप पढ़ेंगे, ठीक है? Songs of Innocence, Songs of Experience, Thy Fearful Symmetry. ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। दाय फेयरफुल सिमेट्री, किसकी सिमेट्री की बात कर रहे हैं? टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, राइट? सो ही हैज रिटन पोम्स लाइक टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। ही हैज रिटन पोम्स लाइक लैम्ब लैम्ब इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू डिस्क्राइब द इनोसेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइव्स, एंड टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द टाइम इन द बुक सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, where he is trying to talk about how a person matures. So he is trying to take the imagery and symbols of something jo ek innocence ko describe kar raha hai, that's the lamb, something which is describing the ferocious behavior, that is the tiger, right?
यहाँ पे हमारा आंसर जो है विलियम ब्लेक. एक ही क्वेश्चन से आई हैव टोल्ड यू दैट दीज आर द इम्पोर्टेंट वर्क्स दैट यू आर सपोज टू रीड. द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, जिसमें ये क्या कहते हैं दैट सेटन इज यू नो मिल्टन इज इन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट. ये लाइन ये पर्टिकुलरली इन द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में बोलते हैं कि मिल्टन ने सेटन को इतने बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब करा है दैट हिज डिस्क्रिप्शन इज फार मोर ग्रैंडियोस देन मिल्टन हैज डिस्क्राइब्ड ऑफ गॉड इवन. राइट, सो ब्लेक इज एन इम्पॉर्टेंट पोएट हियर, सो बी ऑप्शन. देन अकॉर्डिंग टू ग्रीक मिथोलॉजी हु इज साइकी इन जॉन कीट्स ओड ओड टू साइकी. द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ओड टू साइकी में साइकी एक मॉर्टल वुमन है. देर आर अदर इम्पॉर्टेंट ओड्स रिलेटेड टू जॉन कीट्स. जॉन कीट्स की लाइफ का एक ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रहा था जिसको 1819 बोलते हैं. 1819 में इन्होंने बहुत सारी ओड्स लिखी थी, जैसे कि he has written ode on a nightingale, ode to a nightingale, ode on a Grecian urn, ode to melancholy, ode on indolence, laziness के ऊपर लिखी हुई है. right, ode to melancholy, ode on you know melancholy, indolence, ode on a Grecian urn, nightingale, etc. so he has penned down many pieces of odes including ode to psyche. ठीक है, तो बहुत सारी इन सबकी summaries, at least opening and closing lines आपको पता होनी चाहिए. तो 1819 year was a very important year in the life of Keats because he was penning down lots and lots of odes. So option A is the correct answer. Then we have what is not true about Lawrence's work Sons and Lovers. Now when I talk about D.H. Lawrence, not just these kind of statement questions, क्योंकि इनकी आगे you know यहाँ पे quotes भी दिए हुए हैं, not only this but also the chronology of his works become important. Chronology D.H. Lawrence के works की important हो जाती है. So make sure that you're reading these options and trying to find out कौन सा option गलत है और उसको इन quotes के साथ refer करके देखेंगे. The right answer to this question is option C here, that is D and E incorrect hai. Correct kaun se hai? Sons and Lovers is a semi-autobiographical novel. Yes, of course, because of the fact that kuch jo cheeze hain, kuch incidents jo hain, even especially the character of Paul Morrill, it is based on the character of D.H. Lawrence. कुछ जो हमें चीजें देखने के लिए मिलती हैं वो लॉरेंस की खुद की लाइफ से ली गई हैं. साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ द फैमिलियल एंड लव रिलेशनशिप ऑफ अ वर्किंग क्लास इंग्लिश फैमिली. और सेमी ऑटोबायोग्राफिकल इसलिए भी है क्योंकि डीएच लॉरेंस की खुद की फैमिली वॉज फ्रॉम अ वर्किंग क्लास, माइनर्स थे, फ्रॉम अ फाइन फैमिली ऑफ माइनिंग माइनर्स. ठीक है, द फैमिली फिल्म अडेप्टेशन ऑफ द नॉवल वॉज डायरेक्टेड बाय जैक कार्डिफ. ये तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं. गलत कौन सी है? The storyline traces three generations of the Brangwyn family. No, it's some other novel by D.H. Lawrence only. So you need to make sure that you are commenting down to let me know that three generations of the Brangwyn family, ye kis particular novel mein Lawrence ke hi hame dekhne ke liye milti hai. The novel narrates the story of Paul Morrill. Yes, of course it does. Whose love for his beloved overshadows the affectionate bond with his mother. No. Eventually, he chooses his mother only over the love of his life. He falls with a platonic relationship with a girl named Miriam. Lekin he also wants to have some physical pleasure, which he is not getting from Miriam because Miriam is so much religious in her life. So, we see that how he is driven between, there's also one another girl, I am unable to recall her name right now. So, how he is driven for her, for his love for Miriam, which is more spiritual in nature, and love for Clara. Yeah, Clara, whose love is somewhere or the other physical in nature. So how he is not getting the best out of both these things in one woman only, and how he is lacking certain things. So ye option galat hai. Ye cheez nahi hai. He chose his mother only more than his love. So option C is the correct answer here.
Which among the following poems has not been composed by Shelley? P.B. Shelley, a very important romantic writer. तो आप देख रहे हैं romantic age में से Blake आ गए हैं. We have seen John Keats. We are seeing P.B. Shelley as well. So, which poem has not been composed by P.B. Shelley? The right answer to this question is option D. When We Two Parted is not a poem that P.B. Shelley wrote, but rather written again by a romantic writer only. His name is Lord Byron. Right? Lord Byron, Don Juan, Manfred, Kane, in a particular works ke liye jane jate hain. To unhone ye particular work likha tha, When We Two Parted. Option D is the right answer. Which of the following is true about Arthur Miller's play? So, American literature mein se ye question. So, these are the options and these are the quotes. Make sure you are reading them correctly. So, the right answer to this question is option C here. A and B correct hai. Yani ki After the Fall is a semi-autobiographical play by Arthur Miller. An incident of Waikiki deals with Nazi prosecution of the Jews. The other word, jo works hai, The Price Anticipates Economic Crash, no. The Creation of the World is not a serio comic rewriting of the story of Jesus. No, it is one. It talks about the story of Adam and Eve as well. The Crucible uses a specific setting to consider the responsibility of the artist. No. So these three are incorrect. The correct ones are mentioned above, which is option C for you all. Right? Next question. I am a sick man. I am a spiteful man. I am an unattractive man. I think my liver is diseased. This is a particular work written by whom? These are the opening lines of which particular book? So you see, Russian writings mein se aapko zyadatar jo dekhne ke liye mil rahi hai, answer aapka hai Dostoevsky's work Notes from the Underground got published in the year 1864. वर्ल्ड लिटरेचर, तभी मैंने मिसलेनियस नाम दिया है इसको. 1864 में ये पर्टिकुलर वर्क आया था, ठीक है. एंड हम ये देखते हैं दैट नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड की पहली लाइन में ही जो हम जिस हीरो की डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं वो बहुत ही एक मलंकलिक, एक पेसिमिस्टिक स्टेट में है कि मैं डेथ और डीके की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ. सो द एटमोस्फेयर दैट इज बींग सेट ऑन द इन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड बाय फ्योदर दोस्तोवस्की, अ रशियन राइटर, ठीक है. सो ऑप्शन बी दैट इज दोस्तोवस्की नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड. व्हिच अमंग द फॉलोइंग राइटर्स रिमार्क दैट आई नो ऑफ नो मोर इनकरेजिंग फैक्ट दैट द अनक्वेश्चनेबल एबिलिटी ऑफ मैन टू एलिवेट हिज लाइफ बाय अ कॉन्शियस एंडेवर. ये किसने बोला था? दिस इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू योर अमेरिकन लिटरेचर. तो ये आपके अमेरिकन लिटरेचर में कॉन्ट्रीब्यूशन वाला फैक्ट है. तो हु इज वन सच पर्सन जिन्होंने ये चीज बोली थी कि मुझे कोई शक नहीं है, आई नो ऑफ नो मोर इनकरेजिंग फैक्ट, कि इससे ज्यादा इनकरेजिंग कुछ हो ही नहीं सकता दैन द अनक्वेश्चनेबल एबिलिटी ऑफ मैन, कि जो मैन हु इज विलिंग टू एलिवेट हिज लाइफ. ही इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट अ फिलोसफी हियर जो कि जिसको क्या नाम से जाना जाता था, जिसको ट्रांसेंडेंटलिज्म के नाम से जाना जाता था. ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या कहता है? दैट देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्म, देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एन ओवर सोल. यू इफ यू विश टू मेक चेंजेस टू योर लाइफ यू कैन डू दैट. एंड दिस मूवमेंट वॉज समथिंग विच इमर्ज इन अमेरिका ओनली. So we see the most important writer here who says these and utters these lines is Henry David Thoreau. Thoreau कहते हैं कि मुझे इस चीज पे कोई शक ही नहीं है that if any human being decides that he wants to make a change in his life consciously, he would not be able to achieve it. Right? So he says that every person, अगर आप अपना दिल दिमाग अपनी पढ़ाई पे अभी लगा रहे हो, you know that you want to reach to the goal of attaining JRF, qualifying for your NET examination. Then there is nothing which can stop you from doing that. But that effort should be conscious. That should be done by you all.
Right? So that is what we see has been uttered by Thoreau. Then we have matching the list with list 2 novel with the subtitle. That's why in the classes also we tell you ki bahut sare novels aise hain jinke subtitles puche gaye hain. So subtitles yaad karna bahut important hota hai. So what do you think is the right answer here? Try to match test option kaun sa hona chahiye. Right answer is option A here. So if we try to see A is to 4, The Castle of Otranto by Horace Walpole, it has a subtitle A Gothic Story. Test of the Dubovilles, it is by Hardy. It is B is to 1, Tess, A Pure Woman. Frankenstein is something which is related to the modern Prometheus. This work is written by Mary Shelley. ठीक है, पीबी शेली की वाइफ जो थी. वैनिटी फेयर इज अ नॉवल विदाउट अ हीरो. राइट, वैनिटी फेयर अ नॉवल विदाउट अ हीरो. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर. देन वी हैव, यू आर सपोज टू सी व्हिच आर द टाइटल्स ऑफ द पीरियोडिकल्स. पिक द ऑड वन आउट जो नहीं है पीरियोडिकल. तो मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग द क्वेश्चन करेक्टली. द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी हियर, यानी कि चार्ल्स डिकेंस का हाउसहोल्ड वर्ड्स, यस ऑफ कोर्स इट इज अ जर्नल. रिचर्ड स्टील का गार्जियन, यस ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एज ऑफ पोप. ले हंट इंडिकेटर फ्रॉम द एज ऑफ रोमांटिसिज्म. देन एस टी कोलरिश अगेन फ्रॉम द एज ऑफ रोमांटिसिज्म. फ्रांस काफ्का का द मेटामॉर्फोसिस इज नॉट अ जर्नल बट रादर अ नोवेला. तो इस वजह से वो ऑड वन आउट है. बाकी सारे जर्नल्स हैं, ये एक नोवेला है विच टॉक्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, ऑफ अ मैन हु ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ वेरी बिग बग एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ टर्न्ड टू द बॉडी ऑफ अ कॉकरोच वन डे एंड हाउ हिज फैमिली निग्लेक्ट्स हिम सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो यू नीड टू रीड द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्क एज वेल एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग नोट्स विद रिगार्ड्स टू द इम्पॉर्टेंट जर्नल्स, राइट. So with this, I think, yes, we are done for today with regards to your fiction and non-fictional writings related to 6 December 2023 ki jo shift thi. I'll see you guys again in some other video. Till then, you keep on studying. Thank you so much and have a good day. Bye-bye.